दिस इज क्रॉस हैचिंग शेडिंग. ओके नाउ नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट स्टिपलिंग. स्टिपलिंग में सिर्फ आपको क्या करना है, ये देखो ये ऐसे डॉट 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 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको स्मॉल डॉट, तो ये डॉट से क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं. सी दिस, जस्ट लुक एट दिस. यू कैन यूज ओनली डॉट्स फॉर स्टिपलिंग शेडिंग. सी दिस, स्टिपलिंग शेडिंग सिर्फ डॉट यूज करते हैं स्टिपलिंग शेडिंग के लिए. ओके वेट. और एक होता है ब्लेंडेड. अभी ब्लेंडेड में क्या करना है, ब्लेंडेड में सिर्फ डार्क टू लाइट ऐसे ब्लेंडेड में शेडिंग होता है. ठीक है, तो अभी डार्क टू लाइट कैसे करते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे आपको ज्यादा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये कैसे रहेगा, ऐसे डार्क रहेगा, एकदम डार्क शेडिंग रहेगा. ओके नाउ नेक्स्ट. फिर आएगा मिडल टोन. ठीक है, कौन सा आएगा, मिडल टोन. वन मिनट. सी दिस, दिस इज डार्क टोन. नाउ नेक्स्ट मिडल टोन आएगा. Wait just a minute. Blended में हमें ये टाइप में शेडिंग करना है, डार्क टू लाइट. ठीक है, सी एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं शेड. सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं हैच. अभी हैच में हमें क्या करना है, यहाँ पे शेडिंग दिखाना है. फर्स्ट शेडिंग दिखाना है, तो हम यहाँ पे शेडिंग दिखाएंगे. तो पहले, सबसे पहले यहाँ पे हमें लाइट शेडिंग यूज करना है. ठीक है, फर्स्ट वाले बॉक्स में हम एकदम लाइट शेड यहाँ पे दिखाएंगे. सी दिस, तो जहाँ पे हमें शेड दिखाना है वो बॉक्स को पहले आउटलाइन कर लेते हैं, उसके बाद अंदर हम पेंसिल से शेडिंग करेंगे. ठीक है, पहले हम आउटलाइन जो है बॉक्स का वहां पे शेडिंग करते हैं, उसके बाद अभी अंदर इसमें हमें क्या करना है, शेडिंग दिखाना है. यस, दिस इज लाइट शेडिंग. अभी ये शेडिंग आपको लाइट टू डार्क दिखाना है. जैसे जैसे बॉक्स आपको ये नीचे नीचे दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, शेडिंग को डार्क करते जाना है. तो फर्स्ट वाला जो है वो कैसे आएगा, लाइट आएगा. अभी देखो ये लाइट शेड. अभी देखो यहाँ पे मैंने लाइट शेड दिखाया है ना, लाइट शेड. अभी यहाँ पे कैसे आएगा, ये शेड से थोड़ा सा डार्क, यहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क शेड दिखाना है. See this? पहले आउटलाइन करना है बॉक्स को अच्छे से, उसके बाद अंदर शेडिंग दिखाना है. ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट वाले बॉक्स से ये जो शेडिंग मैं दिखा रही हूँ, ये शेडिंग कैसा है, थोड़ा सा डार्क है ना, थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, वैसे आपको डार्क शेड दिखाना है यहाँ पे.
सीधे। ये देखो फर्स्ट बॉक्स से, जो फर्स्ट बॉक्स है उससे थोड़ा मैंने ये बॉक्स में थोड़ा सा डार्क शेड दिखाया है। ओके नाउ नेक्स्ट थर्ड बॉक्स, अभी इससे डार्क हमें ये दिखाना है, ठीक है, ये वाला बॉक्स। सी एवरीवन, सो दिस इज थर्ड बॉक्स। थर्ड बॉक्स में आपको पहले आउटलाइन करना है, उसके बाद अंदर शेडिंग दिखाना है। सी दिस, अभी ये देखो ये थर्ड बॉक्स में थोड़ा सा मैंने ये शेड से ये वाला शेड जो है थोड़ा डार्क किया है, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल पे प्रेशर दिया है। सीधे ये हो गया थोड़ा सा उससे डार्क शेड। नाउ नेक्स्ट, अभी ये वाले बॉक्स में हमें शेडिंग दिखाना है। यहाँ पे ये शेडिंग से ये थोड़ा सा डार्क रहेगा, ठीक है, पहले आउटलाइन कर लेते हैं। सी दिस, उसके बाद अंदर शेडिंग करना। अभी यहाँ पे देखो डार्क शेडिंग दिख रहा है। जैसे टिंट एंड शेड्स में हमने देखा था, जो हमने कलर किया था, तो वहां पे टिंट्स में हमने जो व्हाइट कलर मिक्स किया तो कैसे शेडिंग बन रहे थे, डार्क टू लाइट शेडिंग, है ना। और शेड्स में हमने जब शेडिंग किया है तो वहां पे हमें लाइट टू डार्क शेड्स दिखे, राइट। वैसे ही पेंसिल शेडिंग में देखो डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क, यहाँ पे शेड्स दिखाई देते हैं। यस सी दिस, यहाँ पे थोड़ा सा इससे ये डार्क है, अभी यहाँ पे ज्यादा डार्क हमें यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने पेंसिल अभी ये 8B लिया है, ये सबसे डार्क पेंसिल रहता है। आप रेगुलर पेंसिल से भी कर सकते हो, उसमें भी डार्क पेंसिल होते हैं। सी दिस, यहाँ पे देखो आपको ज्यादा डार्क शेड दिखेगा। Let's look at this. ये हो गया डार्क शेड। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लाइट टू डार्क शेड। यहाँ पे हमें
जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने लाइंस आपको दिखाए हैं, हैच क्रॉस हैचिंग, है ना, तो वो लाइंस अभी यहाँ पे हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स में अभी जहां पे लाइट टोन है तो वहां पे लाइंस क्या रहेंगे, लाइंस में गैप रहेगा, लाइंस में हमें गैप दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी मैंने लाइंस ड्रॉ किए तो यहाँ पे देखो गैप गैप इसमें ज्यादा दिख रहा है, लाइट टोन के लिए है, लाइट शेडिंग के लिए है, यहाँ पे हमें गैप लाइन में ज्यादा रखना है। नेक्स्ट है उससे डार्क है तो यहाँ पे लाइंस देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, ये थोड़ा सा नजदीक है और ये क्या है, क्रॉस हैचिंग है, यस। तो पहले हम हैचिंग ड्रॉ करते हैं, ये देखो ये है हैचिंग शेड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्रॉस हैचिंग यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है तो ये लाइंस क्रॉस आएंगे, देखो ये ऐसे, तो इसे बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको दिस इज क्रॉस हैचिंग। ओके सी एवरीवन। नाउ नेक्स्ट थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स में अभी यहाँ पे हमें ड्रॉ करने हैं पहले क्रॉस हैचिंग। तो अभी ये देखो ये जो लाइंस है इसमें ज्यादा गैप नहीं है क्योंकि ये शेडिंग भी थोड़ा सा डार्क है ना। तो अभी ये लाइंस को भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा नजदीक नजदीक ड्रॉ करना है, यस सी दिस। यहाँ पे देखो टू लाइंस मैंने यूज किए, उसके बाद हमें क्या करना है, एक थर्ड वाला लाइन जो है यहाँ पे हमें यूज करना है। तो ये हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, आप स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हो, थोड़ा सा क्रॉस भी यूज कर सकते हो, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थ्री लाइंस यूज किए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट फोर्थ बॉक्स में हम फोर लाइन यूज करेंगे, सी दिस। अभी इसमें देखो इसमें थोड़ा गैप कम रखना है, जस्ट लुक एट दिस, सी दिस। नाउ नेक्स्ट हियर जस्ट लुक एट दिस, अभी ये सेकेंड लाइन है, हाँ अभी थर्ड लाइन कैसे आएगा, स्ट्रेट, जैसे जैसे शेडिंग ज्यादा डार्क होते जाता है लाइंस नजदीक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लैंटिंग लाइन यूज करना है, सी दिस। यहाँ पे मैंने फोर लाइंस यूज किए हैं। नाउ नेक्स्ट दिस इज लास्ट, अभी लास्ट में हमें वैसे ही ड्रॉ करना है, पहले हैचिंग, उसके बाद क्रॉस हैचिंग हमें